नमस्कार दोस्तों, 2020 के लिए सक्षम युवा में अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो नए रूल आ चुके हैं। उनके जो रूल आए हैं वो हमें इस वीडियो में बताना चाहते हैं। अपने डिस्ट्रिक्ट जल्दी जल्दी कमेंट कर दिया करो सभी बच्चे, जैसे यहाँ जिन डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर ये न्यूज़ आई है और ये न्यूज़ सेंड किया हमें अनिल फौजी ने, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार अब युवाओं को बेरोजगार भत्ते से ही बिजली बिल वसूलने की तैयारी में है। जो बेरोजगार भत्ता मिलता है ना, जो कि 1500 3900 रुपये, उससे ही बेरोजगार जो बिजली का बिल किसी का पेंडिंग है वो भरा जाएगा। सक्षम योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करवाने वाले युवाओं से बिजली बिल की कॉपी ली जा रही है। किसी भी युवा का अगर बिजली बिल बकाया है तो उसे सेल्फ डिक्लेरेशन ली जा रही है कि भाई हमारा लिख के देना पड़ेगा उसको, मतलब बात ये है, ठीक है, खुद सेल्फ डिक्लेरेशन का मतलब यही होता है। ऐसे में जो लोग बिजली निगम के डिफ़ॉल्टर हैं उसे इस योजना में शामिल होने से पहले सेल्फ डिक्लेरेशन में यह बताना होगा कि वह सक्षम योजना के तहत मिलने वाले भत्ते से कुछ हिस्सा बिजली बिल बकाया भरने के लिए करेगा। मतलब आगे को जो भर नहीं रखा तो उसके खाते से पैसे काट लिए जाए या मतलब वो पैसे दे देगा इस तरीके से, ठीक है, तभी वह इस योजना का लाभार्थी होंगे। सक्षम योजना को शुरू हुए 4 साल से ज़्यादा हो चुका है, मतलब टाइम बीत चुका है। इस योजना में पहले शामिल हुए जो पहले शामिल होने वाले होने के लिए बिजली की NOC की जरूरत होती थी, और जिस लाभार्थी ने बिजली बिल नहीं भरा था वह योजना का लाभ पात्र नहीं माना जाता था, ठीक है। और अब सरकार ने प्रदेश भर में रोजगार कार्यालयों में बिजली बिल बकाया जो कि आवेदनकर्ता से सेल्फ डिक्लेरेशन दिया जा रहा है, मतलब अब तो भाई लिख के देना पड़ेगा कि हमारा कोई बिजली बिल नहीं है, अगर कोई पेंडिंग है तो आप हमारे भत्ते से काट सकते हैं। अब इससे साफ है कि सरकार युवाओं के बेरोजगारी भत्ते से ही बकाया जो बिजली का बिल है वो वसूलने की तैयारी में है। अभी तक रोजगार कार्यालय में 20 ऐसे केस आ चुके हैं जिनका बिजली बिल बकाया था। 20 तो केस आ चुके हैं भाई। यहाँ पर एक और छोटी फुटेज है, ये और पढ़ लेते हैं। सक्षम योजना के तहत स्कीम का लाभ लेने के लिए यदि कोई बिजली डिफॉल्टर है तो उसे सेल्फ डिक्लेरेशन भरना होगा। इसके बाद मिलने वाले भत्ते का कुछ हिस्सा बिजली निगम को जमा करवाना होगा। मतलब धीरे 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 उसका जो सारा बिजली का भत्ता जो भत्ते से कट जाएगा बिजली का बिल, ठीक है। लेकिन इस प्रोसेस के बारे में जिला रोजगार कार्यालय में अधिकारियों को नहीं पता कि इसमें कितने ऐसे लाभार्थी हैं जो कि मिलने वाले लाभ से बिजली का बिल भर रहे हैं। भाई धीरे धीरे सारी डिटेल आ जाएगी। अगर आप अब सक्षम योजना फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपका कोई भी बिजली का बिल पेंडिंग नहीं रहना चाहिए। अगर है तो आपसे लिखवाया जाएगा और फिर आपका जो भत्ता मिलेगा उसमें से आपका बिजली का बिल पेंडिंग जो है पीछे का हो या फिर आगे ना भरा हो वो काट लिया जाएगा, ठीक है। उससे ऐसे सेल्फ डिक्लेरेशन लिया जाएगा। अब जो आगे फॉर्म भरेगा, आज से मान लो यो जो फिर आगे मान लो, ठीक है, अब ये 2020 के नए रूल आ चुके हैं सक्षम योजना के। ऐसे करोगे तो ही आप सक्षम योजना में इंक्लूड हो पाओगे। वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो, अपनी अपनी डिस्ट्रिक्ट जो है कमेंट बॉक्स में लिख दो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।